नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस और निरीक्षक दरोगा के जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हल प्रश्न देखेंगे, जो 26/12/2021 को पूछा गया है। ठीक है, जो अपना सेट नंबर 21 होगा। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा प्ले लिस्ट बनाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों और लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 2021 में जो एग्जाम हुआ था तो 2021 का पूछा था, तो अभी जो 2023 में जो एग्जाम होगा तो 2022 का क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर है अब्दुल रजाक गुरना, सुकोरो मानबले, डेविड मैकमिलन और एओडेम पटापुटियन को। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रजाक गुरना को, जो तंजानिया के उपन्यासकार थे। तंजानिया के उपन्यासकार हैं, इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि का नाम क्या था? तो ऑप्शन है नानकिंग, टिएनटिन, पीकिंग और तियानजिन। तो जो प्रथम जो अफीम युद्ध हुआ था यह 1839 से 1842 ईस्वी तक चला था, यह ब्रिटेन और चीन के बीच में यह युद्ध हुआ था। तो जो प्रथम जो अफीम युद्ध हुआ था उसका जो समापन हुआ था यह नानकिंग संधि के तहत हुआ था, नानकिंग संधि के तहत हुआ था। जबकि द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1860 ईस्वी तक चला था, जो तियानजिन संधि के तहत यह इसका समापन हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओरुनोडोई यानी ओरुणोदय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह ओरुणोदय योजना जो है यह आपका असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, यानी एशियाई खेल जो 1951 ईस्वी से शुरू हुआ था एशियाई खेल, तो दिल्ली से, तो इसमें बैडमिंटन को कब शामिल किया गया? तो यह 1962 ईस्वी में जकार्ता इंडोनेशिया में यह हुआ था एशियाई खेल, उसी में बैडमिंटन को शामिल किया गया पहली बार। चलिए अगला प्रश्न है कि एंकर एक शब्द है का प्रयोग, एंकर शब्द का प्रयोग किस कहाँ होता है? ऑप्शन है लंबी कूद में, रिले रेस में, मैराथन दौड़ में, जैवलिन थ्रो में। तो जो रिले रेस होता है, रिले रेस, उसमें एंकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चेन मेंग किस प्रतिस्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? चेन मेंग तो यह चीन के खिलाड़ी हैं, तो यह आपका टेबल टेनिस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है चेन मेंग। देखते चलिएगा दोस्तों कैसे यह क्वेश्चन पूछता है, इसी के अनुसार आप लोग को तैयारी करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो जो किरचॉफ का जो धारा नियम है वह आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि जो वोल्टेज नियम है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? FIT किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो यह खेल मंत्रालय के द्वारा इसका शुरू किया गया था, जो उस समय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर थे, जो 29 अगस्त 2021 को इस ऐप की लॉन्चिंग हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, ऑप्शन है कनौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज और बलभी। तो जो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी ना, वो आपका कनौज थी। क्या थी? कनौज थी। ठीक है, और हर्षवर्धन के ही शासनकाल में वेन सांग जो चीनी यात्री था वो आया था, और हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष पराजित हो गया था और पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? किस कंपनी ने 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय शुरू कर दिया?
तो यह आपका एली एली एक कंपनी है, एली एली एक कंपनी है, यह 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय शुरू कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अप्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। अप्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो बराक ओबामा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, जबकि एक और पुस्तक है द ओडिसिटी ऑफ होप, ये भी बराक ओबामा के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है जो 2006 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सोनार का संक्षिप्त रूप क्या है। सोनार, SONAR, सोनार का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसका प्रयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि Z3AW5D T8G Q12J, तो इसका अगला जो पॉइंट हो जाएगा N17M हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु से मिनीमाता रोग का कारण बनती है। तो जो मिनीमाता रोग होता है ना, वह आपका पारा की कमी के कारण, पारा की अधिकता के कारण जो हो जाता है मिनीमाता रोग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। जैसे कैडमियम की अधिकता से आपका इटाई रोग होता है, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। आर्सेनिक की अधिकता से पार्किंसन रोग और ब्लैक फुट रोग होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है बहुत ही पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपको पूछ सकता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। एस्बेस्टस की अधिकता से वातस्फीति रोग हो जाता है। और तांबा की जो अधिकता हो जाएगी तो विल्सन रोग हो जाएगा। और फ्लोराइड की अधिकता हो जाएगी पानी में तो दंत क्षय रोग हो जाता है। ठीक है, दंत क्षय रोग हो जाता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 342, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गंधार कला शैली समन्वय है, यानी गंधार कला शैली में किसका किसका मिश्रण है, यानी समन्वय है। तो यह भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है, भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय गंधार शैली में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी। तो ठीक है, यह 2021 में पूछा हुआ था, तो यह आपका परभणी महाराष्ट्र में प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की गई है। कहाँ पर, परभणी महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, चाय के उत्पादन में। तो भारत में चाय के उत्पादन में प्रथम जो स्थान है वो आपका असम का है। ठीक है, लेकिन विश्व में चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है और भारत का दूसरा स्थान है। और अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, वो आपका 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और चाय में क्या पाया जाता है, तो थीन पाया जाता है। ठीक है, और कॉफी में कैफीन पाया जाता है और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है। ठीक है, तो अगर नाभिकीय जो क्षय होता है ना, उसमें नाभिकीय जो क्षय होता है उसमें आपका बीटा पहले होता है, उसके बाद अल्फा होता है, तब गामा होता है। नाभिकीय क्षय में पहले बीटा, उसके बाद अल्फा, तब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो यह बात याद रखना है कि नाभिकीय क्षय में जो उत्सर्जित कण होता है, यानी कण उसमें से निकलता है, तो बीटा अल्फा गामा, बीटा अल्फा गामा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्जातीय यानी दूसरे कास्ट से, सेम कास्ट नहीं होना चाहिए, तो अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न से कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया है। वेब पोर्टल शुरू करने वाला जो राज है उड़ीसा, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए, तो उस वेब पोर्टल का नाम है सुमंगलम। क्या है, सुमंगल वेब पोर्टल या उड़ीसा सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है। दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है, तो यह आपका समावयवी एकता है। क्या है, समावयवी एकता है। दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है, तो समावयवी एकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन है कृष्णा सोपती, सत्यव्रत शास्त्री, रघुवीर चौधरी और इंदिरा गोस्वामी।
तो हिंदी साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को 2017 में यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी, जिसमें इनाम की राशि 11 लाख रुपये दी जाती है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख पुरस्कार की राशि दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो 2020 में टोक्यो जापान में हुआ है और 2032वां हुआ है, और 33वां 2024 में कहाँ होगा, तो ये आपका पेरिस फ्रांस में होगा। पेरिस फ्रांस में ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के तहत की गई थी, तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के प्रवेश का द्वार के नाम से किसे जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश का जो द्वार होता है उसको अलाई दरवाजा कहते हैं, ठीक है। और अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है, 1311 ईस्वी में बनवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो हुआ था या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, जबकि उसका पूर्ण रूप से कार्य हुआ था वह इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और कुतुब मीनार के चतुर्थ और पाँचवें मंजिले का निर्माण जो हुआ था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, और बुलंद दरवाजा या आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार डैश वर्ष में स्थापित किया गया था। तो अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो है इसकी जो स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में हुई थी। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1952 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह आपका ऑप्शन है मीना नायर, अभिजीत गुप्ता, अनुपम खेर और श्री राम चक्रधर। तो जो हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक है अभिजीत गुप्ता, कौन है, अभिजीता गुप्ता, ठीक है। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अनुपम खेर पुस्तक का भी नाम आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको उनके पुस्तक के बारे में हम लिख दिए हैं कि अनुपम खेर द्वारा पुस्तक जो रचित है कौन है, तो योर बेस्ट डे इज टूडे, ठीक है, योर बेस्ट डे इज टूडे, ठीक है। और अगला पुस्तक है उनका कि द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, ठीक है। और यह क्वेश्चन यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लेसन्स लाइफ टॉट मी ऑनली एन ऑटोबायोग्राफी। तो लेसन्स लाइफ टॉट मी एन अनओनली एन ऑटोबायोग्राफी या अनुपम खेर द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, ठीक है, और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं। तो यह आपका फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू, तो n के जगह पर 10 रख दीजिए, तो इसका टोटल आपका आ जाएगा 45, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो जो सांची का स्तूप था वह मौर्य वंश के राजा अशोक ने बनवाया था, ठीक है, मौर्य वंश के राजा जो था अशोक ने इसको बनवाया था, और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वह आपका अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं, जबकि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल वह आपका आर्टिकल 213 के तहत करते हैं, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। और अनुच्छेद 143 में क्या है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं परंतु उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। और अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन था। तो यूटोपिया पुस्तक के लेखक थॉमस मोर था, कौन था, थॉमस मोर। और ऑप्शन और देख लेते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर आपको दिया हुआ है तो विलियम शेक्सपियर के पुस्तक के बारे में जान लेते हैं, जैसे जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, ओथली, हेलमेट या
विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित पुस्तक है, और प्लेटो ऑप्शन में है तो यह रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है यह आपका देहरादून में स्थित है, जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, मौसम अनुसंधान संस्थान, सड़क अनुसंधान संस्थान ये आपका नई दिल्ली में है, जबकि शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपका है, ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, की बीथू और सर क्रिक। तो जो आपका उत्तरी बिंदु है यह आपका इंदिरा कॉल है। कौन है? इंदिरा कॉल है। ठीक है, यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जबकि दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में स्थित है, और सर क्रिक आपका कहाँ है? गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन था। तो निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन क्या था? तो यह आपका विश्व बैंक मिशन था। क्या था? विश्व बैंक मिशन, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, और इसमें जो वर्तमान में अभी 190 देश है। विश्व बैंक मिशन में कितना है? विश्व बैंक में 190 देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है IMF। तो इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत 1944 ईस्वी में हुआ था, इसमें 189 देश है। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर भी विश्व व्यापार संगठन जिनेवा है, इसमें वर्तमान में 164 देश है, और जो अंतिम देश है वो आपका अफगानिस्तान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इडली और डोसा का नाम सुने होंगे, तो इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? इडली को जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है उस प्रक्रिया का क्या नाम है? तो ऑप्शन है प्रेशर कुकिंग, पोचिंग, स्टीमिंग और स्टूइंग। तो जो इडली जो बनता है ना इडली, उसके विधि को स्टीमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीमिंग कहते हैं। स्टीमिंग विधि से ही इडली को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए ऐसा भी प्रश्न पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो आपका बैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, और एक और प्रश्न जो हमेशा पूछता है कि स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रदीप्ति नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में आपका प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य वर्तमान में संख्या इसकी 11 है। तो ऑप्शन है सतनाम समिति, केलकर समिति, धर कमेटी और स्वर्णसी समिति। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्णसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में इसको शामिल किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, जिसकी संख्या वर्तमान में 11 है। और ऑप्शन और देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केलकर समिति। तो केलकर समिति के संबंध में PPP मॉडल को लागू किया गया, और धर समिति के सिफारिश पर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और सतनाम कमेटी के ही सिफारिश पर CBI की स्थापना हुई थी भारत में। CBI की स्थापना भारत में सतनाम कमेटी की सिफारिश पर ही हुई थी। चलिए इतना बात आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार की नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। तो ऑप्शन है अबुल हसन, मनोहर, बिशन दास और उस्ताद मंसूर। तो यह बिशन दास अकबर के दरबार में रहता था, और उस्ताद मंसूर को जहांगीर के शासनकाल में यह एक चित्रकार था जिसको नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। ठीक है, और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। चित्रकला का स्वर्ण काल जो है ना औरंगजेब के शासनकाल को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध में उपस्थित शर्करा का क्या नाम है?
तो जो दूध में उपस्थित शर्करा है उसको लैक्टोज कहते हैं, दूध में उपस्थित जो शर्करा है उसको लैक्टोज कहते हैं, और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ना सेम होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फजल अली आयोग का संबंध किससे है। ऑप्शन है विदेश नीति से, आरक्षण से, आर्थिक विकास से और राज्यों के पुनर्गठन से। तो जो फजल अली का जो संबंध है यह राज्यों के पुनर्गठन से है, और राज्यों का जो पुनर्गठन जो हुआ था 1953 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जब यह अधिनियम पास हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था, और उस समय यह राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था, जबकि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए कौन सी पूर्ण संख्या है, निकाल लीजिएगा। तो 86, 49 या 93 का स्क्वायर है। ठीक है, यह पूर्ण संख्या है। चलिए अगला प्रश्न है कि ओडोमीटर, इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पर, अगर टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आप लोग को प्रतिदिन एक एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा, प्रतिदिन, या नहीं कि एक दिन गैप करके, रोज दिन आपको सेट प्रोवाइड होगा और पूरे एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो ओडोमीटर से क्या मापते हैं। तो ओडोमीटर से जो होता है ना वह दूरी मापते हैं, क्या मापते हैं, दूरी का माप होता है ओडोमीटर से। ठीक है, पहियों द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसी को मापते हैं ओडोमीटर से। चलिए अगला प्रश्न है, अपूर्वी चंदेला, और अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है। ऑप्शन है क्रिकेट से, शतरंज से, निशानेबाजी से, हॉकी से। तो जो अपूर्वी चंदेला है इनका संबंध निशानेबाजी से, क्या है, निशानेबाजी से है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न है आप लोग को, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय उस समय कौन था, यानी 1942 में भारत का वायसराय कौन था। तो ऑप्शन है लिलिथगो, लिटन, कर्जन और रिपन। तो लॉर्ड लिलिथगो था उस समय, ठीक है, जो 36 से 43 तक रहा था, और लॉर्ड कर्जन जो था 1899 से 1905 तक रहा, इसी के समय में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड लिटन 76 से 80 तक रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एसी समिष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है और न ही हानि, उसको क्या कहते हैं। एसी समिष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है और न ही हानि, उसको क्या कहते हैं। तो उसको सहभोजिता कहते हैं, सहभोजिता एक समिष्टि पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति, विशेष जाति को लाभ होगा और दूसरे जो जाति होगा उसको न तो लाभ होगा न ही हानि, उसको सहभोजिता कहते हैं, सहभोजिता। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से रामसर प्रस्ताव सम्मेलन यानी रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है। यह रामसर कन्वेंशन, ऑप्शन है वन्यजीवों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, नदियों का संरक्षण और आर्द्रभूमि का संरक्षण। तो जो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 1971 ईस्वी में, 2 फरवरी 1971 ईस्वी को, तो इसी के लिए आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए यह कन्वेंशन हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, ईरान में पड़ता है। और यह रामसर कन्वेंशन जो आर्द्रभूमि का संरक्षण या भारत में लागू कब हुआ, तो 1 फरवरी 1982 से लागू हुआ। ठीक है, 1 फरवरी 1982 से भारत में लागू हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का क्या नाम था। तो मराठा शासक जो छत्रपति से शिवाजी, उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था, किसको, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था छत्रपति शिवाजी ने। ठीक है, और मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी वहीं थे। चलिए अगला प्रश्न है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सौर सेल में आपका सिलिकन का प्रयोग करते हैं, सौर प्लेट कहिए सिलिकन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं। सबसे तेज हिमीकरण विधि जो है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है उसको स्प्रे फ्रीजिंग कहते हैं, और स्प्रे फ्रीजिंग को क्रायोजेनिक फ्रीजिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग के नाम से भी स्प्रे फ्रीजिंग को जाना जाता है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32HL2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32H
LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का विकसित किया है तो यह आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसको विकसित किया है, जिसकी स्थापना 1940 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। और भेल का जो स्थापना 1964 में हुआ था और नासा का और DRDO का स्थापना सेम डेट में 1998 में ही सेम वर्ष में ही हुआ था, सेम डेट को नहीं सेम वर्ष में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक किसकी संख्या होती है, तो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक जो संख्या है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटक, तो जो सर्वाधिक जो संख्या है खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में वह अपघटक का है, किसका है अपघटक का है। चलिए आगे का जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो आज तक 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड, तो जो शरीर में मानव शरीर में 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है जिसमें से कौन अमीनो एसिड है, तो ल्यूसीन जो है ना ल्यूसीन या एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड ल्यूसीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है, तो जाति जन्म से निर्धारित होती है, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर भी हो सकता है, तो यही जाति प्रथा का वर्णन नहीं करता है, तो विवाह जो है समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एलजर्न के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाले प्रतिरक्षिया है, तो LGE, LGG, IgM और IgA, तो आपका IgE है जो ना ये आपका एलर्जी टेस्ट है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, IgE हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स क्रमशः पाए जाते हैं, तो यहाँ एक बार और पढ़ लीजिए, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स होते हैं ना कितने कितने मात्रा में पाए जाते हैं, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 80S, 80S और 70S, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80S, 70S एवं 70S। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारत में जो फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है ना यह अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है, अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है और अमेजन के जो संस्थापक है वह जेफ बेजोस हैं और अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है सिएटल अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, अधिनियम ने कुछ विषय राय सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया है उस समय, ठीक है, इनमें से कौन सा नीचे दिए गलत उल्लेखित है, तो शिक्षा और वन जंगली जानवरों का संरक्षण, शिक्षा पक्षियों का संरक्षण और वन स्थानीय सरकार, तो जो यह है आपका वन और स्थानीय सरकार जो है यह आपका गलत दिया हुआ है, यह समवर्ती सूची में नहीं है, यह आपका राज्य सूची में है, क्या है राज्य सूची में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, दाई दीदी क्लिनिक यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है, दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है। चलिए एक मेट्रो मैन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है और एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है तथा अगली 10:10 पर आएगी, तो पूछताछ जो क्लर्क था यात्री को यह सूचना कब दी थी, तो ऑप्शन है 9:30, 9:40 और 9:50 10:00, तो क्लर्क के सूचना के अनुसार 10:10 पर जाएगी, तो पिछली ट्रेन जो 30 मिनट पर जाती है तो यानी 9:40 पर पिछली ट्रेन गई होगी, ठीक है, और 10 मिनट के बाद अब जाएगी, तो 9:50 ने बताई थी टाइम, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म काल में या ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को
कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं? तो यह आपका ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा केरल में जाना जाता है। केरल में उसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, जिसमें खेती बहुत ही अच्छी होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, स्पेस पोर्ट वह किस राज्य में स्थित है? तो छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, वह आपका तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गैंगेकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? गैंगेकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? तो यह आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र चोल। और यह गैंगेकोंड चोलपुरम क्या था? तो यह एक आपका तालाब था। क्या था? विशाल तालाब था, तालाब गैंगेकोंड चोलपुरम, यह एक तालाब था। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन है मंदक, शीतलता, नियंत्रक क्षर और ईंधन। तो यह आपका नियंत्रक क्षर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षर के रूप में कैडमियम और बोरॉन के क्षर का प्रयोग करते हैं, जबकि मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। और नाभिकीय रिएक्टर के बारे में जान लेते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण 1942 ईस्वी में एनरिको फर्मी ने शिकागो में किया था। कहाँ किया था? शिकागो विश्वविद्यालय में इसको बनाए थे, ठीक है। तो भारी जल का खोज कौन किया था? वासवर्न और यूरेन ने 1932 ईस्वी में, ठीक है, ये भी बात याद रखना है। और भारी जल का जो अनुभार जो होता है वह 20 होता है, ठीक है, और सूत्र D2O होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत नहीं है? यानी बेबर के अनुसार कौन सा जो पारंपरिक सत्ता का स्रोत नहीं है? तो नौकर जो शाही है यह पारंपरिक सत्ता का स्रोत नहीं है। प्रथा है, कानून है, पुलिस है, लेकिन नौकर शाही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो शून्यकाल जो होता है ना, यह आपका प्रश्नकाल और कार्य सूची की अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, इसी को शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल और कार्य सूची की अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, उसको शून्यकाल कहते हैं। और शून्यकाल विश्व में भारत की ही देन है जो 1962 में भारत में शून्यकाल को लागू किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में इसका जो समय हो गया है शून्यकाल का, वह 1 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता है। भारत में अभी शून्यकाल 1 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूरा PURA पूरा का फुल फॉर्म क्या है? PURA पूरा का अर्थ क्या है? तो यह आपका प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि इम्पेक्स एक इंडेक्स है, जिसका पूरा विश्लेषण किससे है? तो इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी मजदूर से, ठीक है। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण प्रवासी मजदूर से है। चलिए अगला प्रश्न है कि फिलिप स्प्रेट नामक एक अंग्रेज को जाना जाता है किस लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस के लिए फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा, तो जो नामदफा है ना, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का नेशनल पार्क है। जो और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे असम है तो असम में मानस और काजीरंगा अभयारण्य है, उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल है, और मणिपुर में केबुल लामजाओ, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है, ये भी बात याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में यानी 2021 में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले
हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? क्योंकि यह प्रश्न 2021 में ही पूछा गया है, तो यह हर्बल जो पार्क है यह आपका उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया था 2021 में। इसका हर्बल पार्क सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क है जो उत्तराखंड में 2021 में इसका उद्घाटन किया गया। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन परसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? हाल ही में किस देश ने सिरकॉन परसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रूस, चीन, जापान। तो रूस या किया है, कौन किया है? सिरकॉन परसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है, रूस। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह में दर्शक, परिवार के सदस्य। तो जो परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं तो इसलिए समूह का उदाहरण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निसार NISAR निसार इसरो तथा किसका एक संयुक्त प्रोजेक्ट है? यानी निसार जो है इसरो और किससे मिलकर है या एक प्रोजेक्ट है? तो ये नासा से, ठीक है। तो इसरो 1969 में स्थापना हुआ था और नासा जो हुआ था यह आपका 1958 में इसका स्थापना हुआ था। DRDO भी आपका 1958 में ही स्थापना इसका हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि आकार में भारत का स्थान क्या है? तो यानी आकार में है, तो आकार में भारत जो है ना यह आपका विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है। विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है आकार की दृष्टि से, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है और दूसरा स्थान अब चीन का हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना थी? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। तो ये आपका 1985 से 1990 तक चला था, ठीक है। तो उसमें क्या क्या व्यूहरचना हुई थी? कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, सेवा क्षेत्र में विकास, ये सभी। तो इसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना में सभी के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना थी। चलिए अगला प्रश्न है कि 15वीं EAS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? तो 15वीं EAS तो यह आपका वियतनाम के प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए वियतनाम के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो गुमेन गुआन फुक ने 2020 में इसकी अध्यक्षता की थी, जो 2020 के लिए वह आसियान के अध्यक्ष भी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पेले का संबंध किस खेल से है? तो या ये फुटबॉल के इसको जादूगर के नाम से भी जान सकते हैं। जो पेले का संबंध ब्राज़ील देश से है और यह फुटबॉल खेलते थे, जिनका जन्म 23 अक्टूबर 1940 को हुआ था और इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 2022 को हो गई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हम लोग जानते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ऑप्शन में देख लीजिए, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजेंद्र सिंह को कहते हैं, जबकि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहते हैं, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन को कहते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम आजाद को कहते हैं, और रॉकेट वुमैन। अब मैन पढ़ लिए, एक वुमैन एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि रॉकेट वुमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो यह है रितु करिघल को, यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इनको रॉकेट वुमेन के नाम से जानते हैं, रितु करिघल। अगला प्रश्न है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय जो है यह खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु जो होती है वह कैसी होती है? तो यह साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु जो होती है साध्य होता है परंतु कुशल नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत वर्ष में जल यानी प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह आपका 1974 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी। तो वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा थी वह कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी। कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी, ये इन्होंने ही कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यानी वर्ग संघर्ष के बारे में ये अवधारणा दिए थे। और जो कार्ल मार्क्स थे ना, यह हीगल के विचारों से प्रभावित है, हीगल के प्रभावित विचारों से प्रभावित है। और इनकी जो पुस्तक है होली फैमिली है, दास कैपिटल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीवी पनपते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेफाइलोकोकाई या सूक्ष्मजीवी जो होते हैं वह कटी जली एवं कच्ची सतहों पर पनप जाते हैं। तो इसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्य कार्य है यह आपका क्या है, तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया, इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है। अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह है, तो किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे इसी के रूप में। अगला प्रश्न है कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या शामिल है। तो चावल के पानी में जो शामिल होता है स्टार्च मार जो होता है वह शामिल है। अगला प्रश्न है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है, तो यह व्यतिकरण है। क्या है, व्यतिकरण है। और व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से यानी प्रयोगशाला में थॉमस यंग के द्वारा 1802 में इसको स्थापित किया गया या बताया गया कि व्यतिकरण होता है, ठीक है। जैसे साबुन के जो घोल का जो होता है ना बुलबुला, साबुन के घोल का बुलबुला वह रंगीन दिखाई देता है, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण व्यतिकरण ही है, व्यतिकरण। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो जो शिक्षा है वह स्वयं पोर्टल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं, यानी आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो जो विश्व कैंसर दिवस होता है वो आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुरुष वर्गों में चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है, तो जो पुरुष वर्ग का है या चक्का डिस्कस 2 kg का होता है। क्या होता है, पुरुष वर्गों में चक्का डिस्कस जो होता है यह 2 kg का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो 2001 के अनुसार इसकी जनगणना 1029 मिलियन थी, 1029 मिलियन थी 2001 के जनगणना के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वैड में कौन से 4 देश शामिल किए गए हैं या समाविष्ट किए गए हैं, तो QUAD क्वेड में USA यानी संयुक्त अरब अमीरात, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू, यानी बिहू जो उत्सव होता है ना उसका 3 प्रकार होता है, उसमें कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो यह असम राज्य में होता है, जो बिहू जो होता है असम राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों।
फिर मिलते हैं दूसरे सेट प्रैक्टिस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताइएगा दोस्त वीडियो कैसा लगा हो आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इसका मैथ का जो डिस्कस होगा, मैथ का जो भी सोल्यूशन होगा, ये आपका टेलीग्राम लिंक पर आज डाल दिया गया है, डाल दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए